बाबा आदम की मूवी के ऊपर स्पॉइलर फ्री रिव्यू में बात कर ली है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर प्लेस हो रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी हम आज बात करेंगे इस वीडियो में इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में और मूवी में दिखे कुछ सीन्स के बारे में, जिससे इसकी टाइमलाइन की थोड़ी कन्फर्मेशन मिल जाती है। तो इस वीडियो में भर भर कर स्पॉइलर्स होने वाले हैं। अगर आपने यह मूवी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और मूवी देखने के बाद इस वीडियो को आकर देख सकते हैं। तो फिलहाल जिन लोगों ने मूवी देख ली है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं फिक्शन फोकस, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स इस मूवी की टाइमलाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस मूवी में हमें एक सीन में जेम्स गन की बंदी जेनिफर होलैंड एस एमिलिया हारकोर्ट नजर आती है, जो की अब भी उसी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है जिसके लिए पहले किया करती थी। और वह क्यों कर रही है अब भी यह काम? डीसी का जो न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रहा है, ब्लैक एडम उसकी पहली मूवी नहीं है। उसकी पहली मूवी है द सुसाइड स्क्वाड, जो कि 2021 में आई थी। देन उसके बाद पीस मेकर्स टीवी शो आया था और फिर ब्लैक एडम। वेल यह दोनों मूवी और एक सीरीज आपस में लिंक हैं और इन तीनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, एमेंडा वॉलर, जो कि अब भी ब्लैक एडम मूवी में दिख रही है अपने काम को कंटिन्यू करते हुए। चूंकि इसे तो अपनी जॉब से रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी डॉटर ने ही पीस मेकर में इसके एक घिनौने राज न्यूज मीडिया के सामने रख दिए थे। तो फिर अब यह कैसे दिख रही है अपने काम को करते हुए और उसी पोस्ट पर और शायद उससे भी ऊपर वाली पोस्ट पर आ चुकी है अभी है। तो वह जिस लेवल पर है वहां से उसके लिए पॉलिटिक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी जान पहचान करके न्यूज मीडिया से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करवा के और पॉसिबली अपने काम को कंटिन्यू कर रही है। अब एमेंडा वॉलर अपनी पोस्ट पर कायम है, तो यह भी पॉसिबल है कि पीस मेकर में जिन बंदों को यह इलीगल काम के लिए यूज कर रही थी उन बंदों को फिर से वापस अपने इलीगल कामों के लिए यूज करे, और शायद इसीलिए हारकोर्ट भी हमें ब्लैक एडम में वॉलर के लिए काम करती हुई दिखी। और दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि हारकोर्ट इस काम को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे घर गृहस्थी वाला काम आता नहीं है। बाकी लोग अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं। काफी टाइम पहले यह न्यूज निकल कर आई थी कि डीसी एमेंडा वॉलर के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ लाने वाला है, और हाल फिलहाल में चेसलव जो भी टीवी शोज को कैंसिल कर रहे थे उसमें से एमेंडा वॉलर की स्पिन ऑफ का नाम निकल कर नहीं आ रहा था। मे बी एमेंडा वॉलर की स्पिन ऑफ वर्किंग प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो, और अगर ऐसा है तो समझ जाओ द सुसाइड स्क्वाड, पीस मेकर और ब्लैक एडम यह तीनों डीसी के न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स में आती है। तो चलिए बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के ऊपर, जिसमें हमें सुपरमैन दिखा, वो भी हेनरी केविल वाला। और इस सीन को देखने के बाद कहा जा सकता है कि यह सीन पॉसिबली फैंस के क्रेज को देखते हुए बीते कुछ दिनों में इस सीन को शूट किया गया हो और फिर इसे मूवी के रिलीज होने के कुछ हफ्तों पहले मूवी में एड किया गया हो। पर जो भी हो, सुपरमैन वापस आ चुका है, वो भी हेनरी केविल वाला। ब्लैक एडम और सुपरमैन को फेस ऑफ करते हुए देखकर एक्साइटमेंट लेवल सातवें आसमान पर चला गया। फिलहाल उस एक्साइटमेंट को वापस जमीन पर लेकर आते हैं। सुपरमैन के कॉस्ट्यूम और उसके हेयर को देखकर लगता है जैसे ये जो स्वेडन की जस्टिस लीग के बाद आ रहा हो, मींस उस यूनिवर्स में ही यह मूवी एग्जिस्ट करती हो। वैसे भी जो स्वेडन वाली जस्टिस लीग के बाद से स्टोरी इनकम्प्लीट सी है, और जो स्वेडन से जो कुछ हो गया सो हो गया, अब उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। वेल इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इस मूवी के भी कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होने वाले हैं, जिनमें से यह तो रिटर्न करने वाले नहीं है, और यह दो तीन साल के लिए तो रिटर्न कर ही जाएंगे। बट नहीं, सुपरमैन के कॉस्ट्यूम को देखकर यह कहा जा सकता है कि मैन ऑफ स्टील मूवी उसे भी डीसी के न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स में कंसिडर किया जा रहा हो, जिससे कि सुपरमैन और बैटमैन इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मींस डीसी के न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी डेब्यू मूवीज की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीक्वल की जरूरत होगी, जिससे स्टोरी एक लेवल आगे चलेगी। क्योंकि एक्वामैन की तो सीक्वल आ रही है और वंडर वुमन की तो शायद ट्रायलॉजी आने वाली है। सो इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सुपरमैन, बैटमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन डीसी के न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनकी डेब्यू मूवीज की जरूरत नहीं है। जिसमें बैटमैन की तो कोई भी सोलो डेब्यू मूवी नहीं है और पॉसिबली हमें चाहिए भी नहीं। कब तक बैटमैन अपनी गली में चोर चक्कों को पकड़ता रहेगा, स्टोरी आगे बढ़ाओ। पहले बात करते हैं वंडर वुमन और एक्वामैन 2 के बारे में। यह दोनों मूवी और इनकी जो प्रीक्वल्स है वह तो स्नाइडर वर्स से लिंक थी, तो क्या स्नाइडर वर्स रिस्टोर होगा? तो आंसर है नहीं। डीसी अब कुछ नया करने के मूड में है और जैक स्नाइडर भी अब रिटर्न नहीं करने वाले, तो अब उन चीजों से मूव ऑन कर जाओ और थोड़ा आगे बढ़ो। वंडर वुमन और एक्वामैन के स्नाइडर वर्स से कनेक्शन को लेकर द फ्लैश मूवी में शायद बेटर वे में एक्सप्लेन किया जाए और एक न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स की न्यू रखी जाए जिसमें सारी मूवीज चल रही हो। सो दोस्तों, डीसी के न्यू सिनेमेटिक यूनिवर्स में जस्टिस लीग के हर एक मेंबर की डेब्यू मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। चलिए अब वापस से आते हैं इस मिड क्रेडिट सीन के ऊपर, जहाँ पर एमेंडा वॉलर बाबा आदम को धमकी दे रही होती है, तुझे मेरे पिंजरे में नहीं रहना हो तो मत रहे, बस अपने गांव से बाहर मत निकलना नहीं तो मारे जाओगे। बाबा आदम भी बोल देते हैं अगर गुद्दा है तो रोक सके तो रोक ले। फिर हेनरी केविल के सुपरमैन की एंट्री होती है और सुपरमैन बाबा आदम से बात करने के लिए कहता है, पर हमारे बाबा आदम कोई भोले वाले इंसान तो है नहीं जो बात करने के लिए मान जाएंगे। वेल यह सीन देखकर तो यही कंसिडर किया जा सकता है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन फाइट बिगेन, आई मीन लिटरली सुपरमैन उससे
बात भी यह करना चाहता है कि तुझे किसी के अंडर कंट्रोल में रहकर काम करना होगा और कायदे और कानून का पालन करना होगा। ब्लैक एडम अपनी मर्जी का मालिक है, वह किसी का कुत्ता बनकर काम नहीं करने वाला। और सुपरमैन जो कि ब्लैक एडम की टक्कर का है, वह उसे यह सजेशन देगा कि तुझे किसी के अंडर कंट्रोल में रहकर काम करना है। देन ब्लैक एडम किस लिए रुकेगा? यह सुनने के बाद तो वह सीधा सुपरमैन को पेलना शुरू कर देगा। तो क्या अब डायरेक्ट हमें ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी देखने को मिलेगी? वेल, इट्स नॉट सो क्विक एंड इजी, इसका आंसर नहीं है। हमें ब्लैक एडम मूवी के डायरेक्ट बाद ही ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन वाली मूवी देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि यह जो मिड क्रेडिट सीन है, इट डजंट मीन कि यह सीन जहां से स्टार्ट हो रहा हो डीसी का फ्यूचर भी उसी इवेंट को लेकर चलेगा। यह जो मिड क्रेडिट सीन है, यह कुछ टाइम जंप लेकर चल रहा होगा। मूवी के जस्ट बाद ही यह सीन नहीं होने वाला कि सुपरमैन डायरेक्ट ब्लैक एडम के पास चले जाएगा बात करने के लिए। यहां पर थोड़ा सा टाइम जंप होगा, पॉसिबली 4 से 5 साल के टाइम जंप के साथ देखने को मिल रहा हो। वेल, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन यह देखना तो चाहते हैं हम सभी, पर यह बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन यह देखने के लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, बट इतनी जल्दी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन नहीं दिखा सकते, क्योंकि डीसी ने अभी तक अपने सिनेमेटिक यूनिवर्स को एक डायरेक्शन नहीं दिया है। सो ऐसे इवेंट वाली मूवी हमें इतनी जल्दी देखने को तो नहीं मिलेगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वेल, अमेंडा वोलर ने सुपरमैन को भेजा है, तो क्या इसका मतलब अब जस्टिस लीग अमेंडा वोलर के लिए काम करने लगी है? इसका आंसर 100% हां में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा हो सकता है अमेंडा वोलर जस्टिस लीग के पास हेल्प लेकर गई हो कि बाबा आदमखोर इसे संभालना मुश्किल है, इसे संभालने के लिए हमें सुपरमैन की जरूरत है। सुपरमैन भी बाबा आदमखोर के परफॉर्मेंस को देखकर चला आता है मदद करने के लिए। सो दैट मींस अमेंडा वोलर जस्टिस लीग को कंट्रोल तो नहीं कर सकती, बस उसने हेल्प ली एक छोटी सी। मतलब बात करते हैं, क्या सुपरमैन बाबा आदमखोर को बीट कर सकता है, या जस्टिस लीग वर्सेस बाबा आदम इस फाइट को कौन विन करेगा? वेल, इसका हमें एक छोटा सा हिंट मूवी में दिया गया है। एक सीन जहां पर हॉकमैन और बाबा आदमखोर फाइट कर रहे होते हैं, उस रूम में तो जस्टिस लीग के हर एक मेंबर का पोस्टर लगा होता है, जिसे बाबा आदमखोर चीरफाड़ कर देते हैं, जो कि शायद एक साइन था कि बाबा आदमखोर अकेले ही पूरी जस्टिस लीग को पेल सकता है, इवन सुपरमैन को भी। वो अलग बात है कि कॉमिक्स में सुपरमैन, शज़ाम, इवन जस्टिस लीग ब्लैक एडम को कई बार बीट कर चुकी है, बट सिनेमेटिक यूनिवर्स में बाबा आदमखोर को प्रेजेंट और कोई नहीं, ड्वेन जॉनसन द रॉक कर रहे हैं, जो कि पॉसिबली हार तो नहीं मानने वाले। और मैं भी सुपरमैन और जस्टिस लीग को बाबा आदम से पिटते हुए देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ। वो अलग बात हो जाएगी कि एट द एंड सुपरमैन या जस्टिस लीग फाइट को विन कर जाएगी, क्योंकि बाबा आदमखोर भी कोई इनविंसिबल नहीं है, उनकी भी वीकनेस है, जैसे सुपरमैन की क्रिप्टोनाइट, वैसे ही बाबा आदमखोर की भी वीकनेस है इथेरियम। इस बात को मूवी में अच्छे से शो किया गया है कि बाबा आदमखोर भी कोई इनविंसिबल नहीं है, इनकी भी वीकनेस है, और इनकी वीकनेस अभी तक तो सेबेक और हॉकमैन ही जानता है, जिसमें से सेबेक तो मर चुका है और हॉकमैन जिंदा है। सो मे बी जस्टिस लीग या सुपरमैन जब पीट रहे हो, तब शायद हॉकमैन हेल्प करने के लिए आए। वेल, जो भी हो, मुझे एक बैटल देखनी है शानदार, इसमें जस्टिस लीग या सुपरमैन को जूनियर सीन्स बन के बाबा आदमखोर पेल रहे हो, वह बूम बाम एक्शन सीन देखने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हूँ। तो यह था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके क्या व्यूज है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन को लेकर, बाकी आप सबके क्या व्यूज है ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन या ब्लैक एडम वर्सेस जस्टिस लीग को लेकर, अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।